हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, बुक चल रही है इसमें, सेकंड बुक है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम इसमें यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर थी, वो हम इसमें लास्ट टर्म पर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है अमीन्स। अब ये यूनिट 4 क्या है, इसमें यूनिट 4 में हम उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन प्रेजेंट मतलब यानी कि जिस पर N होता हो, उन कंपाउंड्स के बारे में हम इसमें यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें अमीन्स। अमीन्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखना सबसे पहले अमीन्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। एल्काइल अमीन के बारे में बताया गया है इसमें। सबसे पहले एल्काइल अमीन जो होते हैं, एल्काइल डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के, यानी कि NH3 के जो एल्काइल डेरिवेटिव होते हैं वो आपके क्या कहे जाते हैं, एल्काइल अमीन। जैसे यहाँ पर आपकी दी हुई है अमोनिया, NH3 दिया हुआ है यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया, बॉन्ड्स दिखा दिए, लेकिन N के आसपास कैसे बॉन्ड्स हम किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं ना, यहाँ पर एक और H आ गया आपका। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, इसका एल्काइल डेरिवेटिव, यानी कि हमें इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और दूसरा एल्काइल ग्रुप आपको इसमें लाकर जोड़ देना है। मान लीजिए मैंने ये वाला H हटा दिया और इसकी जगह पर R रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RNH2। ये बन गया आपका यहाँ से एल्काइल अमीन, यही आपके कहे जाते हैं अमीन्स। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, एल्काइल अमीन्स जो होते हैं, एल्काइल डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के। अब दूसरी बारे में बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। अमीन्स का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में किया गया है। पार्ट्स में किस किस के बेसिस पर, एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर ही इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, इन 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, अमीन्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे प्राइमरी अमीन कौन से आते हैं, प्राइमरी अमीन या जिसको बोला जाता है 1 डिग्री अमीन, और सेकेंडरी अमीन को 2 डिग्री अमीन, और टर्सरी अमीन्स को 3rd डिग्री 3 डिग्री अमीन्स इनको बोला जाता है। अब आगे देखना, When one hydrogen atom, H atom मतलब यहाँ पर hydrogen atom बताया गया है। When one hydrogen atom of ammonia, ध्यान से देखना, ammonia is replaced by alkyl group, then primary amine will form. अगर एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को एक एल्काइल ग्रुप से चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए एक हाइड्रोजन एटम को, तब आपका जो अमीन बनेगा वो आपका कहा जाएगा प्राइमरी अमीन। जैसे आपका ये बना हुआ है, प्राइमरी अमीन बना हुआ है ये। आगे देखिए, देन प्राइमरी अमीन्स विल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अमीन्स is RNH2। अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक ही एल्काइल ग्रुप रखेंगे तो आपकी बनेगी प्राइमरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन से पहचान गए होंगे आप, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम को 2 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तब बनेगी सेकेंडरी अमीन, और टर्सरी अमीन तब बनेगी जब हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे एल्काइल ग्रुप के साथ। तो देखो ये हो गया फर्स्ट प्राइमरी अमीन, इसको नोट कर लो, फिर सेकेंडरी अमीन के बारे में लिखेंगे। देखो सेकेंडरी अमीन इसी में लिख देते हैं, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अमीन जिसको बोला जाता है, when two hydrogen atom ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, देन सेकेंडरी अमीन्स विल फॉर्म, तब क्या बनेंगे, सेकेंडरी अमीन्स बनेंगे। और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अमीन्स इज R2NH। अब देखो ये कैसे बना, R2NH कैसे बना, यहां पर हम क्या करेंगे, NH, हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये इस तरह से हैं। अब हम क्या करना है, हमें 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करने हैं। मान लो मैंने यहाँ पर H हटा कर रख दिया R, क्या रख दिया R, तो यहाँ से क्या बन गया R2NH, ये बन गया आपका यहाँ से सेकेंडरी अमीन। नोट कर लो आप इसको। अब टर्सरी अमीन की बात आती है, तो टर्सरी अमीन में बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ से टर्सरी अमीन में क्या होंगे, हमने तीनों हाइड्रोजन एटम
रिप्लेस करना है। मान लो मैंने इस वाले को भी रिप्लेस कर दिया आर से, तो यहाँ से क्या बन गया ये टर्सरी अमीन, क्या बन गया टर्सरी अमीन, या जिसको क्या बोलते हैं थ्री डिग्री अमीन, मतलब तीनों क्या होंगे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। व्हेन थ्री हाइड्रोजन एटम, कितने, व्हेन थ्री हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप देन टर्सरी अमीन्स विल फॉर्म, तब आपके क्या बनते हैं टर्सरी अमीन्स बनते हैं, देन टर्सरी अमीन्स विल फॉर्म। जनरल फॉर्मूला ऑफ टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, अभी यहां से आप देखकर बता सकते हैं टर्सरी अमीन्स का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा यहां से R3N, क्या हो जाएगा 1 2 3 R3 और N कितने हैं 1, ये आ गया आपका यहां से टर्सरी अमीन्स का फॉर्मूला। क्लासिफिकेशन हो गया है तीनों पार्ट्स में, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, टर्सरी में भी। अब इसके बाद हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात, कि किस किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक चीज, इसमें आप इनके IUPAC नेम तो लिख सकते हैं, IUPAC नेम आप सभी को लिखना आते हैं, इसमें IUPAC नेम अगर आपसे दिया जाए, वैसे तो आते नहीं है IUPAC नेम, और अगर आते हैं तो आप इसमें IUPAC नेम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। जैसे अब तक IUPAC नेम लिखते आए हैं उसी तरीके से लिखेंगे, साइड चेन काउंट करेंगे और उनकी पोजिशन लिखेंगे और फिर उनका नॉर्मल नेम जैसा IUPAC नेम में लिखा जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले लैब मेथड के बारे में बात करेंगे। लैब मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आप सभी जानते होंगे कौन सी होती है, इसमें बताइए हॉफमैन ब्रोमामाइड में हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अमाइड लेंगे और अमाइड में ब्रोमीन मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या मिलाएंगे ब्रोमीन मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यही होती है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखिए यहां से अमीन लिखिए, अमीन क्या होता है, अमीन होता है RCONH2 होता है अमीन आपका, RCONH2 होता है आपका अमाइड RCONH2, और इसमें मिलाओगे ब्रोमीन मिलाओगे और एक्सेस क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे, तो ब्रोमीन हो जाएगा यहां से Br2। ब्रोमामाइड रिएक्शन है इसलिए यहां पर ब्रोमीन मिलाएंगे और क्या मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस, KOH मिला लीजिए या NaOH मिला लीजिए, पर लेना है आपको स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा लेना है स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां से आगे क्या होगा, देखो ये क्या है आपका अमाइड है, ये है आपका अमाइड, ब्रोमीन ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो आप जानते हैं दोनों। अब यहां से आगे देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और एक्सेस क्वांटिटी में यानी कि अधिक मात्रा में यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ से आपको बनाना है अमीन यानी कि RNH2 आपको यहाँ से बनाना है। अब देखो यहाँ से हम बनाएंगे प्राइमरी अमीन ही ज्यादातर लेकर चलेंगे और फिर कुछ कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे भी होंगे जिससे आपका सेकेंडरी और टर्सरी अमीन वे भी बन जाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन को लेकर चलेंगे। अब यहाँ से देखो अमीन क्या होता है RNH2 होता है RNH2 तो आपको बाहर होगा ही होगा, मतलब आपका अमीन बनेगा ही बनेगा। अब यहां से देखना जितने Br है उतने K ले लीजिए, 2K हमने यहां पर ले लिए, यहां से 2K ले लिए तो यहां से क्या बाहर हो गया टू के बी आर हो गया आपका यहां से बाहर, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से क्या बचा हुआ है, 2 के आपके बचे हुए हैं और OH आपके 4 के 4 बचे हुए हैं। अब इन OH में से भी कुछ रिमूव होगा, बताइए क्या निकाल सकते हो यहां से, वाटर निकाल सकते हो, कितने 2H2O हो गए यहां से अलग प्लस 2H2O। अब क्या बचा है यहां से CO बची हुई है, यहां से 2K बचे हुए और यहां से 2O बचे हुए हैं और ये दोनों आपस में जुड़ के निकल जाएंगे K2CO3 की फॉर्म में। यहां से आपका अलग क्या होगा K2CO3 आपका यहां से रिमूव हो जाएगा। ये आपकी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या लैब मेथड है ये। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसमें मैं आपको दूंगी एक वर्क, क्या है वो वर्क, मैंने यहाँ पर R ग्रुप लिया है, आप यहाँ पर CH3 और C2H5 ग्रुप लेकर लिखी रिएक्शन करिए और जो आपका मैंने तो यहाँ से बनाया है
क्या बनाया, अमीन, एल्काइल अमीन बनाया है, और आपको यहाँ से इन ग्रुप को लेकर इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड रिएक्शन करेंगे। देखो नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन अमाइड का रिडक्शन। इसमें भी हम किससे प्रिपेयर करेंगे, अमीन को अमाइड से प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन करेंगे हम एच लेकर, पर इसमें कैटलिस्ट आपका क्या दिया जाएगा, इसमें आपको लेना है एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है। किसका, सोडियम का एल्कोहलिक सॉल्यूशन लोगे यहाँ से, और फिर उसकी प्रेजेंस में आपको अमाइड का रिडक्शन करना है, तब जाकर आपका अमीन बनेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एच लेंगे, और बेटा क्वांटिटी का ध्यान रखना है, यहां से कितनी क्वांटिटी ली जाएगी, और यहां से लेंगे आप एन एल्कोहलिक या एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एन ए। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे रिएक्शन होने वाली है, बहुत सिंपल। सिंपल कैसे, इसमें आपको क्या करना है, एक तो देखो आर एन एच टू तो आपको करने करने अलग आर एन एच टू तो हो गई है, आर एन एच टू ये हो गया। नहीं, इसमें आपकी क्या होंगी, ये रिएक्शन में जो आपके एच हैं कितने हैं, आपके यहां से कितने एच है, फोर एच है। ये जो फोर एच है ना, ये फोर एच आपके उनमें से टू ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे एच टू ओ की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एच टू ओ की फॉर्म में। हर रिएक्शन में आप इसे सीओ को रिमूव नहीं कर सकते, रिएक्शन को ध्यान से देखना है, रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्या आप रिएक्टेंट ले रहे हो, किसका अटैक करा रहे हो, कौन सा कैटलिस्ट है, हर चीज को देखकर ही रिएक्शन पूरी करनी है। तो यहां से आपका क्या होगा, H2O रिमूव होगा, और फिर ये जो आपके दोनों H बचे हुए हैं ये इस C के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, RCH2NH2। यहां से क्या बनेगा, RCH2NH2। ये बना आपका अमीन, क्या बन गया, अमीन बन गया, और यहां से वाटर रिमूव। सेकेंड रिएक्शन हो गई कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन देखेंगे, अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करें, पहले इनको नोट करो। देखो थर्ड रिएक्शन अगर हम रिडक्शन करें, रिडक्शन ऑफ किसका रिडक्शन बताया अभी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या ले लो, RNO2 लिया हमने, RNO2 लिया। अब इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। और एक बात, इसका रिडक्शन हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन एनए अल्कोहलिक की प्रेजेंस में नहीं होगा, इसका रिडक्शन होगा एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में इसका रिडक्शन करना होगा। आपको रिडक्शन बोले अपचयन, रिडक्शन का मतलब अपचयन। अब यहां पर आगे देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, एच मिलाएंगे 6H, और मीडियम कैसा लेंगे, एसिडिक लेंगे, एसिडिक मीडियम में यहां पर ले सकते हो H पॉजिटिव, और इसमें क्या ले सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हो साथ में, जैसे निकल, ZN, SN, ये भी इसमें क्या ले सकते हो, कैटलिस्ट के फॉर्म में ले सकते हो। अब यहां से देखना रिएक्शन में किस तरीके से होगी। देखो ये तो यहां से H इस तरह से खोल लिया हमने 6 के 6 हाइड्रोजन को, तो यहां से जो O2 है ये इनमें से 4H के साथ बाहर हो जाएंगे, किसकी फॉर्म में, 2H2O की फॉर्म में हो गए यहां से बाहर, और ये जो बचे हुए 2H है वो आपके यहां पर आकर जुड़ जाएंगे RNH2 की फॉर्म में। ये हो गई आपकी, यहां से अमीन बन गया। अब देखो ये तो हो गई हमारी एक तरीके से रिएक्शन, अगर आप इसको सिंगल स्टेप में भी करना चाहो, सिंगल स्टेप में किस तरीके से हर एक बॉन्ड को खोलकर दिखाओ कि कहां पे किस तरह से बॉन्ड बना है, कहां किस तरीके से क्या जुड़ा है, कौन सा एच किधर जुड़ा है, कौन सा एच कहां जुड़ा है, इस तरीके से अगर खोल के करना चाहो तो खोल के भी कर सकते हो। जैसे और आर एन ओ
टू हमने इस तरह से खोल लिया, इसी तरीके से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। मैंने क्या किया, इसमें दो एच मिलाए हैं, पहले कैटलिस्ट आपके वही सेम रहने वाले हैं, सेम कैटलिस्ट जो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखना क्या होगा, यहाँ से आपके एक एच क्या होगा, बाहर निकलेगा एच, किसके साथ बाहर निकलेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में हो गया अलग, H2O की फॉर्म में हो गया अलग, और यहां से आपका क्या बन गया, यहां से आपका बना RNO, ये आपका क्या कहा जाता है, नाइट्रोसो एल्केन कहा जाता है। अब इस नाइट्रोसो एल्केन में और एक और हाइड्रोजन ऐड करोगे, हमने 6 मिलाया ना, 2-2 करके ब्रेक करके मिला रहे हैं हम इसमें, तो यहां से होगा RNO, इसमें 2H ऐड करोगे तो जानते हो क्या होगा, यहां से एक एच आपका यहाँ आ जाएगा और एक एच आपका यहाँ आ जाएगा, बताओ ऐसे ही होगा ना, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RNHOH। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसमें और H2 ऐड करना है, यहां से RNHOH, इसमें भी आपको क्या ऐड करने है, H2 ऐड करने है, यानी कि 2H ऐड करने है, 2H ऐड करने पर यहां से क्या होगा बताओ, यहां से एक एच तो इसके साथ और दूसरा एच यहां पर आपका जुड़ जाएगा, तो यहां से आपका बनेगा RNH2+H2O, ये बन गया आपका। यहां से दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है, तो डायरेक्ट मिला दो या फिर ब्रेक करके मिला दो। चलो नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, इसके बाद इसमें फोर्थ रिएक्शन इसमें करेंगे साइनाइड का रिडक्शन। साइनाइड जानते हो क्या होता है, RCNL का साइनाइड का रिडक्शन करोगे, जब यहां से RCN का रिडक्शन करोगे तो यहां से आपको क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन बनाना है, तो यहां से। और कैटलिस्ट क्या लेंगे, कैटलिस्ट इसमें आपका लिया जाएगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, Na का एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे आप यहां से। तो यहां से हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया और एल्कोहलिक Na एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे सोडियम का, क्लियर इतनी बात। अब यहां से देखना बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होने वाली है, आपके 2H यहां पर और 2H यहां पर हो गई रिएक्शन, यहां से हो गया RCH2 और यहां से NH2, ये बना आपका यहां से प्राइमरी अमीन, क्या बनेगा यहां से, प्राइमरी अमीन बनेगा यहां से। इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो या फिर ब्रेक कर लो, जैसे भी लास्ट रिएक्शन में किया था, RC ट्रिपल बॉन्ड N2H करके ऐड कर लो इसमें, कैटलिस्ट आपका वही रहेगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया जाएगा आपने इसमें सोडियम का, और यहां से देखो सिंपल सी रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आप जानते हैं, अब बहुत बॉन्ड ब्रेक किए हैं, बहुत आयंस बनाए हैं हमने अब तक इसमें, और यहां पर आपका एक एच यहां और एक एच यहां, यहां से RCH और यहां से आएगा आपका NH, क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद क्या करोगे, उसमें और 2H ऐड करोगे, यहीं पर ऐड कर लो 2H और ऐड करोगे इसमें, एक इधर जुड़ेगा और एक इधर जुड़ेगा, तो यहां से RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्लियर है इतनी बात। ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 4। अब यहां से अभी तो करिए साइनाइड के साथ रिएक्शन, आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हो इसकी, बहुत आसान है आइसोसाइनाइड के साथ भी। देखो फिफ्थ रिएक्शन, बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ले लो, रिडक्शन लिख लेना इसमें, पहले हेडिंग लिख लेना आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, साइनाइड होता है CN जिसमें आपका बॉन्ड बनाता है कार्बन, और आइसोसाइनाइड होता है NC जिसमें आपका बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब देखना ध्यान से रिएक्शन किस तरह से होगी, यहां से होगा RNC और यहां से इसको भी आपको करना है रिडक्शन, रिडक्शन करोगे वही आपको 4H लेकर रिडक्शन करना है, Na एल्कोहलिक आपको इसमें लेना है कैटलिस्ट, ये हो गया आपका यहां से कैटलिस्ट। रिएक्शन बहुत ही सिंपल होगी, क्या सिंपल होगी रिएक्शन, देखो अब यहां से H H H H, ध्यान से देखना, ये जो यहां से एक H तो आपका जाएगा यहां पर N की तरफ आकर जुड़ेगा, और बाकी के तीनों H इस CH3 पर आकर जुड़ेंगे, और यहां से ये बनेगा R
NH3, ये आपका इस तरह से बनेगा और ये आपका कहा जाएगा सेकेंडरी अमीन। क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी अमीन कहा जाएगा इसको, कहा जाएगा या नहीं बताइए इसमें, सेकेंडरी अमीन। यहाँ पर CH3 ना लेकर R ले लोगे ना तब भी यही बनेगा, लेकिन यहाँ पर CN है ना, तो यहाँ पर आपका CH3 सेकेंडरी अमीन बनेगा। यहां से नोट कर लीजिए, रिएक्शन को नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसको बोलेंगे आप, क्या है ये? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड के साथ रिएक्शन करेगा आपका बेस, बेस के साथ रिएक्शन करने पर वो आपका वहां से बनाएगा सोडियम या पोटेशियम साल्ट। सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनाने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करोगे और हाइड्रोलिसिस से पहले एल्काइल हैलाइड मिलाओगे, फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका यहाँ से प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से थैलेमाइड देखना क्या होता है। थैलेमाइड C6H5CO, यहाँ पर भी आपका CO और यहाँ पर आपका NH जुड़ा होता है, और इसमें आपको क्या मिलाना है, KOH मिला लो या NaOH मिला लो। अब यहाँ से आपकी रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला H ये वाला OH के साथ बाहर H2O की फॉर्म में, और ये K आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका यहाँ से पोटेशियम साल्ट बन गया, किसका? थैलेमाइड का। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ से आगे क्या होगा, आगे इसमें आपको मिलाना है एल्काइल हैलाइड, मिला सकते हो या नहीं बताओ। यहां से हो गया एन के, क्या मिलाओगे इसमें? आर एक्स मिलाया मैंने, एल्काइल हैलाइड मिलाया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो के है ये एक्स के साथ हो जाएगा रिमूव, मान लो मैंने यहीं पर रिमूव कर दिया के एक्स के साथ, और आर आपका यहां पर आकर जुड़ेगा, तो यहां से आपका क्या बन गया, ये आ गया CO, यहां पर CO और यहां पर आएगा आपका NR। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल देखना, हमने यहाँ पर टू वाटर मॉल्स लिए हैं। वो टू वाटर मॉल लेने से क्या होगा, देखो एक तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले आपका एनहाइड्राइड में क्या होता था, एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता था, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, लेकिन इसमें क्या होंगे, दोनों बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, और दोनों बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद दोनों OH और H जो होंगे ना वो यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे एडजस्ट, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर आपका इस साइड OH जुड़ेगा और यहाँ पर आपका H, ठीक इसी तरीके से CO के पास OH जुड़ेगा और यहाँ पर आपका जुड़ेगा H, और यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। कंप्लीट कैसे हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, RNH2 बन गया ना यहाँ से, RNH2 बना यहाँ से, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका थैलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। क्यों क्यों बना थैलिक एसिड? क्योंकि वहां पर आपका COOH ग्रुप आपका आ चुका है, ये आ गया आपका COOH और इधर भी आ गया COOH, ये बन गया आपका थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, क्लियर है इतनी बात? और इसको तो आप जानती हो ये क्या बनाए, अमीन बनाए। बेटा इसमें आप नेम नोट कर लिया करो, मैं आपको बोलती तो हूँ आप नोट कर लिया करो इसमें साथ के साथ। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, शिम्ट रिएक्शन। शिम्ट रिएक्शन में कैसे होता है, N3H के साथ रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर शिम्ट रिएक्शन करेंगे। देखो शिम्ट रिएक्शन, शिम्ट रिएक्शन से अमीन बनाना बहुत आसान है। इसमें आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपको क्या मिलाना है, N3H मिलाना है, प्रेजेंस कैटलिस्ट बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट लिया जाएगा, 4 है ये H2SO4। अब यहां से देखो, एक तो आपका यहां से क्या रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, कर दो CO2 अलग कर दो सबसे पहले, फिर इसके बाद इसको डिसोसिएट करो, किसमें होता है, N2 में और NH में डिसोसिएट होगा ये, और यहां से आपकी N2 गैस भी बाहर हो जाएगी, यहां से आपकी N2 गैस भी बाहर होगी, बचा क्या, NH बचा, और ये यहाँ H बचा हुआ है इसमें जोड़ दो, यहां से क्या बन गया, RNH2, क्या बन गया, RNH2 बन गया आपका यहां से प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ।
ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ क्लोरामीन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लोरामीन से करा दो, ग्रिगनार्ड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है आपका आर एम जी, एक्स की जगह सी एल ले लो, चलो सी एल ले लो। अभी वो क्या बताया, क्लोरामीन, क्लोरामीन होता है सी एल एन एच टू, क्या होता है सी एल एन एच टू होता है क्लोरामीन, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या होगा, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन, एम जी और सी एल टू हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपका एन एच टू इधर जुड़ जाएगा। और एक बात, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या लिया जाता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप सभी इस बात को, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में कैटलिस्ट आपका लिया जाता है ईथर, क्या लिया जाता है ईथर, ईथर हो गया आपका कैटलिस्ट। अब यहां से MgCl2 आपका अलग कर दो, अलग MgCl2, और यहां पर आपका NH2 इसके साथ जुड़ेगा और यहां से क्या बन जाएगा RNH2, एल्काइल अमीन। नोट कर लीजिए रिएक्शन को, फिर और रिएक्शन करेंगे इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन नंबर 9 या मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 9। तो यहां से रिएक्शन का नेम क्या लिखा है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अभी रिएक्शन नंबर 1 जो की थी उसमें था हॉफमैन ब्रोमेमाइड, उसमें ब्रोमीन मिलाया था, इसमें हम क्या मिलाएंगे अमोनिया मिलाएंगे, लेकिन अमोनिया के साथ साथ इसमें हम क्या मिलाएंगे, देखो अगर हम एल्काइल हैलाइड की और एल्कोहल की, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो हम यहां से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप के अमीन यहां से बना सकते हैं और यही रिएक्शन कही जाती है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तीनों टाइप के बनाएंगे, रिएक्शन देखना किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेंगे एल्काइल हैलाइड ले लो, किसके साथ रिएक्शन करानी है NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। क्या करना है आपको, बस यहां से देखो NH2 और H, और ये H X के साथ बाहर, ये हो गया एच एक्स बाहर और NH2 इसके साथ जुड़ गया R NH2 बन गया आपका, यहां से प्राइमरी अमीन बन गया। अब इस प्राइमरी अमीन को मिला लो, उठाओ यहां से और इसमें फिर से मिलाओ अल्काइल हैलाइड R NH2 और इसमें क्या मिलाओगे, फिर से अल्काइल हैलाइड R X मिलाओगे तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका एक एच जाएगा किसके साथ, एक्स के साथ, यहां से एक एच तो जाएगा एक्स के साथ एच एक्स की फॉर्म में और ये वाला आर आपका यहां पर आकर जुड़ेगा तो यहां से क्या हो जाएगा आर आर एन एच बचेगा, आर आर एन एच, ये हो गया प्राइमरी अमीन, ये हो गया सेकेंडरी अमीन। अब सेकेंडरी अमीन को उठाओ, इसमें फिर से अल्काइल हैलाइड मिलाओ, क्या मिलाओगे आर एक्स मिलाओगे, एक्स जाएगा एच के साथ, एक्स जाएगा एच के साथ और आर आपका यहां पर जुड़ेगा तो यहां से क्या बन गया आपका, ये टर्सरी अमीन बना आर थ्री एन और यहां से एच एक्स, ये बन गया आपका टर्सरी अमीन। अब अगर यहां से आप आर एक्स नहीं लेना चाहते तो यहां से आर ओ एच ले सकते हो। अब जैसे यहां से एच एक्स रिमूव हुआ था वहां से एच टू ओ रिमूव होगा, एल्कोहल लेके देखो, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके देखो इसकी, चलो इसको नोट करो फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ऑक्साइम्स की तरफ रिएक्शन नंबर 10, देखो रिएक्शन नंबर 10 ऑक्साइम, ये होते हैं आपके ऑक्साइम्स, ऑक्साइम के साथ क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, एनए अल्कोहलिक आपका लिया जाएगा कैटलिस्ट। और एक बात, इसमें अगर हम ऑक्साइम लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ऑक्साइम लेंगे, अगर हम ये जो ऑक्साइम्स थे आपके आईयूपीएसी आइसोमेरिज में थे, आईयूपीएसी आइसोमेरिज में थे ऑक्साइम जो है, तो उसमें जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों टाइप के ऑक्साइम से आप क्या कर सकते हो अमीन बना सकते हो। अगर आप एल्डिहाइड लोगे, एल्डिहाइड का ऑक्साइम लोगे जैसे ये है तो प्राइमरी अमीन बनेगा और अगर कीटोन का ऑक्साइम लोगे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, दोनों बनाते हैं। चलो यहां से हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि एच मिलाएंगे, कैटलिस्ट आपका लेना है एल्कोहलिक एनए, एल्कोहलिक एनए कैटलिस्ट लेना है। अब इसके बाद क्या होगा, यहां से एक एच तो OH के साथ, OH के साथ और दूसरे वाला एच आपका N के साथ तो यहां से क्या बना R CH और यहां से NH और रिमूव क्या होगा H2O रिमूव होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसका फिर से रिडक्शन करना है,
यानी कि इसमें फिर से 2H मिलाना है, इस जैसे यहाँ पर हुआ था, एक H H के साथ जाएगा और दूसरा वाला H यहाँ पर कार्बन के पास जाकर जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा R CH2 N H2, ये बन गया यहाँ से प्राइमरी अमीन। क्या बना? प्राइमरी अमीन। अब अगर हम ले यहाँ से कीटोन, एल्डिहाइड लेकर तो कर लिया, अगर हम यहाँ से ले कीटोन का ऑक्साइन, तो कीटोन के ऑक्साइन के साथ भी रिएक्शन इसी तरीके से होगी। बस कीटोन में क्या होते हैं बताओ, कीटोन में क्या होते हैं? दो आर ग्रुप जुड़े होते हैं कीटोन में। अब यहां से देखना बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर आ गया एन ओ एच और यहाँ पर आएंगे 2H, बिल्कुल सेम ऐसे ही रिएक्शन होने वाली है, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ से। बस यहाँ से आपको क्या लेना है, कीटोनिक ग्रुप लेना है, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगी, OH जाएगा एक H के साथ और दूसरे वाला H आपका इधर आकर जुड़ेगा। यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा R R C N H और रिमूव क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें फिर से H2 ऐड कर, 2H ऐड करोगे यानी कि हाइड्रोलिसिस रिडक्शन करोगे इसका, फिर से रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, एक एच इधर आकर जुड़ेगा, यहां पर आपका बन जाएगा R R C H C H N H 2, ये बन गया आपका यहां से सेकेंडरी अमीन। और इसी के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गए कंप्लीट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हैं इसके कंप्लीट, सेकेंडरी अमीन बन गया, ये बन गया यहां से प्राइमरी अमीन, बिल्कुल ऊपर की तरह ही रिएक्शन हुई है। अब इसके बाद आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, आज बस इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_india, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर हमारी आगे की प्रॉपर्टीज के साथ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।